গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজির ভূমিকা অনস্বীকার্য, ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে বললেন রাজ্যপাল ধনকর। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজির ভূমিকা অনস্বীকার্য ছিল, তাই গণতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার সকালে ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন রাজ্যপাল জগদীশ ধনকর। এদিন তিনি হিংসা ত্যাগের বার্তা দিলেন। রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কোভিড বিধি মেনে গান্ধীঘাটে মহাত্মাজির 152তম জন্মদিন পালন করা হয়। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা। কী ভি আপ ইতিহাস কে পন্নে খোল কর দেখ লো, জহাঁ डर इतना है कि डर की वजह से कोई डर की चर्चा नहीं कर पाए। जब सबको हालात का पता है और हालात की चर्चा नहीं कर पाए, ये लक्षण प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। मेरा आपसे आग्रह, आज संकल्प लें, आम नागरिक की सोचें, आम नागरिक की सोचकर ऐसा वातावरण पैदा करें जिसमें हमारी डेमोक्रेसी, जिसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। हम 75वें वर्ष में हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो गांधी जयंती पर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मेरी करवद आप लोगों से प्रार्थना है, डर का वातावरण खत्म कीजिए, रोज़मर्रा के जीवन में हिंसा खत्म कीजिए, प्रजातंत्र फले फूले ये मैं कामना करता हूँ। और मैं समझता हूँ मीडिया हो, सरकारी तंत्र हो, आम नागरिक हो, वो इस ओर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि हमारा प्रदेश और देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा।